आज हम लोग आइसोमेट्रिक इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जैसे कि हम लोग आप लोग को बताए थे फोर्थ सेंटर मेथड में इंग्लिश बनाया जाता है, उसके बाद ओब्लो मेथड में बनाया जाता है और कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का आइसोमेट्रिक इंग्लिश, ये जो आइसोमेट्रिक इंग्लिश है ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ताकि क्या है, जितना भी हम लोग आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो वहाँ हम लोग का आइसोमेट्रिक इंग्लिश का ही यूज होता है, जैसे ओब्लो मेथड या तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेथड या तो फोर्थ सेंटर मेथड हम लोग वहाँ नहीं बना सकते हैं। इसलिए हम लोग का वहाँ पे क्या है आइसोमेट्रिक इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें होता क्या, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक इंग्लिश डायमीटर 60, ठीक है, 60 डायमीटर का एक इंग्लिश बनाना है इसमें। तो 60 डायमीटर का इंग्लिश जो बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए एक बेस लाइन लेंगे हम, एक बेस लाइन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, बेस लाइन एक हम लेंगे। अब बेस लाइन लेने के बाद हम लोग जानते हैं इसमें 90 डिग्री इस तरह से लिया जाता है, तो इस तरह से हम एक 90 डिग्री लाइन ले लेंगे, एक 90 डिग्री लाइन लेंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री लाइन लेने के बाद किसी भी पॉइंट पे हम इस लाइन पे, ये जो 90 डिग्री लाइन ली है इस लाइन में हम किसी भी पॉइंट पे हमें दोनों साइड से 30 डिग्री लाइन ले लेंगे। ताकि आपको पहले भी बताया गया है आइसोमेट्रिक का जो बेस होता है वो 30 30 और 90 पे होता है, इसलिए हम क्या करेंगे और 30 डिग्री में दो बेस लाइन लेंगे उसी के पैरेलल में लाइन हम ले लिए यहाँ पे। अब देखिए हम 30 डिग्री में यहाँ लाइन ले रहे हैं साइड से, ठीक है, एक 30 डिग्री साइड से ले लिए कोई एक पॉइंट में है, एक फिक्स पॉइंट ले लिए हम इस पॉइंट में, हम एक 30 डिग्री इधर से लिए और एक 30 डिग्री उसी पॉइंट में हम इधर से लेंगे, ठीक है, इस साइड से और एक 30 डिग्री हम लाइन हम उसी पॉइंट से ले रहे हैं, इसी पॉइंट से हम 30 डिग्री लाइन ले लिए, ठीक है, दो 30 डिग्री और एक 90 डिग्री हम लाइन ले लिए। देखिए क्या हुआ, मेरा दो 30 डिग्री लाइन है और एक 90 डिग्री लाइन है, इसको ज्यादा डार्क नहीं करना है, अब का ही रखना है इस लाइन को, ठीक है, ये हो गया मेरा 90 डिग्री की लाइन और दो 30 डिग्री लाइन भी है। अब इंग्लिश बनाते समय क्या होता है, इसमें से दो लाइन मेरा बेस लाइन होगा और एक लाइन सेंट्रल लाइन होगा, दो बेस लाइन और एक लाइन सेंट्रल लाइन। तो डिपेंड करता है क्या हम किस पोजिशन में हम इंग्लिश को बना रहे हैं, जैसे कि हमको ऊपर से नीचे को बनाना है तो हमको 90 डिग्री को सेंट्रल लाइन बनना होगा, अगर इस साइड में जाना है तो हमको इस साइड में 30 डिग्री में गया है उसको सेंट्रल लाइन लेना है, और इधर जाना है तो इसको हमको सेंट्रल लाइन लेना है, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन की बात है, पहले हमको क्या करेंगे, यहाँ डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर क्या दिया गया है 60 डायमीटर दिया गया है, तो सेंटर से कहीं पे एक लाइन को हम 30 पे काटेंगे, जैसे कि हम स्केल से मेजरमेंट कर लेते हैं, ये हो गया मेरा 30, ठीक है, तो 30 मिलीमीटर पे हमें पॉइंट ले लिया, एक लाइन पे लेना है सब में नहीं लेना है, ठीक है, एक लाइन पे हम 30 में एक पॉइंट ले लिए। उसके बाद कंपास जो है कंपास में 30 को हम सेट करेंगे, ये 30 को हम सेट कर लिए, ठीक है, 30 को सेट करने के बाद ये जो बाकी लाइन है सब लाइन को हम 30 पे काट दिए, ऐसे करके 30 पे ऐसे करके हम सारे लाइन को काट दिए, ठीक है, यहां ठीक क्लियर है। सबसे पहले क्या है कि हम एक बेस लाइन ले लिए, बेस लाइन के बाद एक 90 डिग्री लाइन ले लिए, 90 डिग्री लाइन लेने के बाद दो हम 30 डिग्री लाइन ले लिए किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। अभी हमको फाइनल में नहीं जा रहे हैं, बाद में हम फाइनल में जैसे जाएंगे तो उस हिसाब से सेंटर को लोकेशन करेंगे। अब क्या है, इसमें से जो 6 लाइन है 6 में से 2 लाइन सेंट्रल लाइन होगा, बाकी 4 लाइन बेस लाइन होगा। चलो हम इस समय क्या करेंगे, वर्टिकली शो करना चाहते हैं, इसको इंग्लिश को वर्टिकली शो करेंगे, तो क्या है मेरा इस समय 90 डिग्री लाइन जो है इसको हमको सेंट्रल लाइन मानना पड़ेगा। इस समय सेंट्रल लाइन लेने का मतलब है, देखिए हम अब क्या करेंगे, कंपास को यहां रखना है, ये जो सेंट्रल लाइन है इसमें दो पॉइंट जो है वहां दोनों साइड में रखना है, और ये जो एंगल है देखिए 60 डिग्री करके एंगल है यहाँ, तो एक बार क्या करेंगे 120 को जोड़ेंगे फिर इधर से 120 को जोड़ेंगे।
ठीक है। तो क्या किया हम यहां पे रख रहे हैं, इसमें सेंटर लाइन पे, सेंटर लाइन में कंपास बना के यहां पर हम सेटिंग कर लेते हैं। कंपास को आप यहां से यहां तक सेट करेंगे, ये देखिए सेट हो गया यहां तक। इस पॉइंट में किसी भी इस पॉइंट दोनों पॉइंट जो था मेरा था 120 डिग्री का, दोनों 30 डिग्री वाला लाइन में जो पॉइंट था उसको हम मिला के बाद छेद कर लेंगे, दोनों पॉइंट हम टच कर रहे हैं। टच करने के बाद इसको हम यहां से इसको जोड़ दिए, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ठीक ऑपोजिट साइड में हम चल जाएंगे, सेम मेथड, सेम मेथड में ऑपोजिट साइड में जो सेंटर पॉइंट है मेरा वहां ले जाएंगे, कंपास रखेंगे और ये दोनों पॉइंट को हम लोग फिर से जोड़ देंगे, ये दोनों पॉइंट मेरा यहां से जुड़ गया, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद मेरा देखिए हम क्या बोले, पहले 120 डिग्री को हम जोड़ेंगे, 120 मैंने जोड़ लिया। इसके बाद आता है मेरा दो जो कोण बच गया है 60 डिग्री में बचा हुआ है, ये दोनों कोण मेरा 60 डिग्री का है, ठीक है, इधर भी 60 डिग्री उधर भी 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को लाकर हमको जोड़ना है, तो देखिए 60 डिग्री को जोड़ने से पहले क्या करना है, किसी भी एक साइड को हम बाइसेक्ट करेंगे, दोनों में से बाइसेक्ट होगा कोण को समद्विभाजित करने के लिए, हाफ से ज्यादा रखना है कंपास को, हाफ से ज्यादा करके हम इधर से एक काट दिए, फिर यहां से एक काट देंगे दोनों साइड से, ठीक है। देखिए यहां से काट रहे हैं हम, फिर एक बार हम ऑपोजिट साइड पर की कोना में जहां कोना पॉइंट था वहां से काट दिए, ये दोनों लाइन आपस में टच कर गया, दोनों लाइन आपस में मेरा यहां से टच कर गया, ये जगह दोनों लाइन मेरा टच हो जा रहा है यहां, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हमको सीधा जोड़ना है इसको, अब इसको हम सीधा जोड़ेंगे तो देखिए एक लाइन आगे बनाएगी, तो हो गया मेरा बाइसेक्ट, ठीक है। और बाइसेक्ट जो कर लिए उसके बाद क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट था पहला पहला या दूसरा सेंटर पॉइंट के साथ जो रेडियस मेरा था इसको हम सीधा करेंगे रेडियस वाला, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक हम रेडियस को सीधा करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेडियस जैसे हम सीधा किए तो यहां सेंटर जो हम बाइसेक्ट लाइन को यहां के टच कर दिया, बाइसेक्ट लाइन को यहां के टच कर दिया, फिर इधर से भी हमको सेंटर की जो सेंटर पॉइंट था यहां से ही रेडियस को सीधा करते हैं, सेम प्रोसेस में। तो देखिए यहां के लाइन टच कर दिया, ठीक है। अब जहां टच हो गया उसी का लोग सेंटर मानेंगे, अब सेंटर का हम लोग मेरा यहां पे आ गया और एक सेंटर यहां पे आ गया, अब यहां कंपास को रखकर फिर ई पॉइंट को हम मिलाएंगे यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसको जोड़ देना है, इधर से इसको जोड़ दिए, ठीक उधर लेके हम इसको अब यहां से हमको इसको भी सेम प्रोसेस में जोड़ देना है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते क्या हम लोग, आइसोमेट्रिक इलिप्स, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक इलिप्स बनाने का एक प्रोसेस है, ओके।